वेल हेलो गाइस, हाय, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशी ब्लॉग एंड लाइफस्टाइल में। अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और हम नहा धोकर आ चुके हैं। आज मैंने बाल धोया है, खाना बन चुका है और बस हम रेडी होके मीहू यहाँ खेल रहे हैं। मीहू का खाना हो चुका है और मीहू अपनी नानी के साथ मस्ती कर रहे हैं। ये देखो मीहू अभी फ़ोन देख के मीहू भाग के आए हैं, क्योंकि जैसे ही आवाज़ सुनाई देता है ये भाग के आ जाते हैं। हेलो हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो 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 बोलो, सबको हेलो बोलो। और आपने हाथ में क्या पकड़ा है? मस्ती खोर मीहू, नानी के साथ क्या बात कर रहे थे? गाइस अभी इतना बात करना शुरू कर दिया उन्होंने, जैसे ही इनकी नानी और बड़ी मम्मी आए हैं इनका तो पावर ही बढ़ गया है, इतनी बात करते हैं, बहुत मजे करते हैं। दिखाती हूँ आपको, अपनी नानी के साथ बैठे हुए हैं। हाँ मीहू, क्या हुआ राजा? मस्त धूप निकला है और ये मेरा क्रीम लेकर खेल रहे हैं। मीहू ना 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 बोल दो, उसको क्यों खेल रहे हो? हाँ, और दीदी ऊपर छत में पढ़ाई कर रही है क्योंकि उसका एग्ज़ाम कल ही है, उसको सुबह सुबह जाना पड़ेगा कल, इसलिए मीहू नीचे डिस्टर्ब कर रहे थे तो वो छत में भर रही है। और मम्मी यहाँ हाथ पैर में तेल लगा रही है, नहा के आ चुकी है। अभी बड़ा मज़ा आता है घर में रहने में, क्योंकि अभी फैमिली जैसा लगता है, अकेले रह रहे कि हम भी बोर हो गए थे, है ना मीहू? मज़ा आता है कि नहीं बताओ, नानी लोगों के साथ मज़ा आता है कि नहीं? ये अकेले रहने में मज़ा आता है। ये देखो मीहू कुर्सी पर भी चढ़ जाते हैं अकेले अकेले। बोलो हेलो गाइस, मैं आप सब से बात करना चाहता हूँ, बताओ आप सब कैसे हो? मैं मीहू, मैंने खाना खा लिया, क्या आप सब ने खाना खाया? बोलो बोलो, चिक्स दिखा दो मीहू। लिख दो बोर्ड में, लिख दो, एबीसीडी लिखो, चलो एबीसीडी लिखो, पढ़ा दो बड़ी मम्मी को, पढ़ाओ चलो। मीहू की क्लास स्टार्ट हो रही है, मीहू अभी पढ़ाएंगे सबको। ए बोलो मीहू, अरे बोर्ड ऊपर है भाई। बी, क्या समझ आया बोलो बच्चों? समझ आ रहा है मीहू का क्लास, समझ आ रहा है कि नहीं? चल मीहू पढ़ा दे, खाना नहीं है चौक को, चल। गाइस मीहू को जब भी चौक मिलता है वो लेकर बोर्ड के पास भाग जाते हैं और कुछ न कुछ लिखने लग जाते हैं, उन्हें चौक से लिखने में बड़ा ही मज़ा आता है, हमें भी देख के इतना अच्छा लगता है। मीहू के साथ इतने मज़े करते हैं हम और हमें तो अपना बचपन ही याद आ जाता है। लेकिन बच्चों की एक आदत होती है ना कि जब उन्हें कोई भी चीज़ मिलता है तो उससे काम बाद में करेंगे, पहले खाना शुरू कर देंगे। मीहू भी बिल्कुल वैसा ही करते हैं। यहाँ पे मटर छिल रहे हैं, शाम को बनेगा मटर पनीर का सब्जी, मम्मी को बहुत पसंद है। और मम्मी सुनाएगी कविता, हम लोग को याद नहीं रहता है लेकिन मम्मी को बहुत अच्छे से याद रहता है। दीदी तेरे को कोई कविता याद है बता? नहीं याद है, दीदी को कुछ याद नहीं रहता है लेकिन मम्मी को सब याद रहता है। चल मम्मी सुना। एक बीज था गया वो थी गहराई में बोया, उसी बीज के भीतर था एक नन्ना पौधा सोया, उस पौधे को मंद कौन ने आकर पास जगाया, सूरज बोला प्यारे पौधे सोते से जग जाओ, समय नहीं है सोने का, उठ कर बाहर तो आओ, आंख खोल नन्ना पौधा धीरे से बाहर आया, बाहर का संसार उस बड़ा ही सुंदर उसने पाया। था बता, मम्मी का मेमोरी पावर कितना तेज है, उसका अभी तक याद है, हम लोग को तो एक भी कविता याद नहीं रहता है, है ना मीहू? तारे चमके चंदा चमके चम चम चम, आओ आओ खेले हिल मिल आज चांदनी में, हम ठंडी ठंडी हवा बह रही है, लोरी से कुछ गाती, अभी नहीं सोएगा कोई, नींद किसे है आती, देखो धीमे धीमे झूमी फूलों की ये पाखे, जूही चमेली चमकी जैसे बगिया की सो पाखे, खूब बह रही है नदी दूध से, दूध भरा है झरना, अच्छा लगता आज सभी को दूर दूर तक फिरना,
इतना सारे कभी कभी है उतर नदी में आते, झुक कितना ही हाथ बढ़ाए नहीं पकड़ हम पाते, नहीं पकड़ हम पाते। क्लैप दीदी, चलो ताली बजाओ। मैं हूँ क्लैप। हेलो फ्रेंड्स, अब शाम हो चुका है और आप सोच रहे होंगे कि मैं रेडी क्यों हुई हूँ। तो पास के ही घर में रामायण था और साथ ही हल्दी कुमकुम था, तो मैं वहाँ जाने के लिए रेडी हुई थी और मैं वहाँ गई भी थी, लेकिन मेरे बेटे ने इतना परेशान किया कि मुझे वापस आना पड़ा। फिर अभी हम पी रहे हैं सब चाय। चाय पीने के बाद मैं फिर से जाऊँगी वहाँ पर अटेंड करने के लिए और अटेंड करके आऊँगी। मम्मी क्या करी है? मम्मी मेहंदी लगाई है। मम्मी को मेहंदी लगाने का बहुत शौक है, तो दीदी ने मम्मी के हाथ में मेहंदी लगा दिया है। देखो आज तो देखो कितना अच्छा लग रहा है। और मीहू यहाँ बदमाशी कर रहे हैं। भीड़ देख के मीहू ने मुझे इतना परेशान किया कि मुझे वापस आना पड़ा, है ना मीहू? और अपने पापा का शौक जमा रहे हैं। और दीदी का कल एग्ज़ाम है, तो दीदी का लास्ट प्रिपरेशन हो चुका है और ये हूँ मैं। ओके, तो हम थोड़ी देर बाद मिलते हैं।